एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मालती और संतोष दोनों बहन भाई थे, लेकिन दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। संतोष जो हाफ फ्राई खाए बिना नहीं रह पाता था, तो वहीं मालती अपनी डाइट और अपने आप को फिट रखती थी। मालती की भाभी तनु को भी हाफ फ्राई बहुत अच्छा लगता था। ऐसे ही एक दिन मालती कॉलेज जाते हुए अपनी दोस्त पायल से कहती है, यार ये लोग इतना फास्ट फूड कैसे खा लेते हैं, मुझसे तो बिल्कुल नहीं खाया जाएगा। तू पता नहीं क्या खा के पैदा हुई है, यहाँ लोग बिना फास्ट फूड खाए बिना नहीं रह सकते, और तू है कि सड़ी सी डाइट खाती रहती है। तुझे तो पता है ना मैं अपने आप को कितना फिट रखती हूँ। हाँ हाँ, तू और तेरी डाइट, मुझसे तो नहीं होगा। चल अब जल्दी एक दो लेक्चर लेकर घर चलते हैं। दोनों कॉलेज से अपनी क्लासेस लेने के बाद घर आने लगती है। तभी रास्ते में संतोष और तनु चीकू हाफ फ्राई वाले ठेले के पास हाफ फ्राई खाते हुए उन्हें मिलते हैं। ये देखकर मालती उनको आवाज लगाते हुए कहती है, अरे भैया आप फिर से वही सड़ी सी चीजें खाने लग गए। मालती तुझे हाफ फ्राई अच्छा नहीं लगता तो ना सही, लेकिन ये बार बार हाफ फ्राई को सड़ा हुआ मत बोला कर। हम लोग तेरे डाइट के बारे में कुछ नहीं बोलते, तो तू भी कुछ मत बोल। ठीक है भाभी, नहीं बोलती मैं कुछ भी, आप खाओ अपना हाफ फ्राई। चल पायल। अरे ना बाबा ना, तू ही जा। हाफ फ्राई के ठेले पर आकर हाफ फ्राई ना खाऊं तो ये तो अपमान होगा ना उसका। हाँ बिल्कुल, और यूँ अपमान नहीं करना चाहिए। आजा पायल, तू भी आजा। ठीक है आप लोग जल्दी से खा लो, मैं यहीं वेट कर रही हूँ। ठीक है, माँ के लिए भी हाफ फ्राई पैक करवा लेते हैं। ठेले पर हाफ फ्राई खाने के बाद सभी लोग घर वापस आ जाते हैं, जहाँ संतोष अपनी माँ लता को आवाज लगाते हुए बोलता है, माँ कहाँ हो, जल्दी आओ, देखो आपके लिए चीकू हाफ फ्राई वाले के यहाँ से हाफ फ्राई लाए हैं। लता जल्दी से बाहर आकर कहती है, अच्छा हुआ तू ले आया, मेरा वैसे भी बहुत दिनों से मन कर रहा था हाफ फ्राई खाने का। ठीक है माँ, तुम ये हाफ फ्राई खा लो, फिर मेरे लिए कुछ बना देना। बेटा तू भी यही खा ले, क्या बनाऊँ बस तेरे लिए, बाद में तेरे लिए तेरी डाइट वाला कुछ बना दूंगी। ठीक है आप इतना कह रही है तो थोड़ा सा खा लेती हूँ, आप जिसकी इतनी तारीफ कर रहे हैं मैं भी तो खा कर देखूं खाने लायक है भी या नहीं। मालती हाफ फ्राई खाने लगती है और खाने के बाद बोलती है, वाह भैया ये तो सच में बड़ा स्वाद है, मुझे तो और खाने का मन कर रहा है, जाकर थोड़ा ले आओ ना मेरे लिए। क्या हुआ, पहले तो बड़ा बोल रही थी ना सड़ी सी हाफ फ्राई, अब क्यों मंगवा रही है, जाना खा अपनी फिट होने वाली डाइट। क्या भैया आज ही तो बोला है आपसे और उसमें भी मुंह बना रहे हो, मैं खुद ही ले आऊंगी। अरे अरे क्या तुम दोनों भी इतनी सी बात पे लड़ने लग गए, ले तू मेरा वाला खा ले, मेरा वैसे भी पेट भर गया है। अरे तुम तो हाफ फ्राई के आगे अपनी डाइट को ही भूल गए। भाभी आप भी शुरू हो गए भैया की तरह, अब आप चुप हो जाओ, मुझे हाफ फ्राई खाने दो। हाँ हाँ खाओ खाओ, लेकिन मुझे अब लाने के लिए मत बोल देना। ठीक है। अगले दिन मालती पायल के साथ कॉलेज के लिए घर से निकलते हुए अपनी माँ को कहती है, माँ मुझे थोड़े पैसे दो ना हाफ फ्राई खाने के लिए। ठीक है ये ले बेटा, बाकी के पैसे वापस ले आइयो। ठीक है माँ, चल पायल। दोनों कॉलेज जाने के लिए निकल जाती है और रास्ते में जाते हुए पायल मालती से कहती है, अरे तुझे क्या हुआ, तू कब से हाफ फ्राई खाने लग गई? अरे कल वो घर के लिए पैक करवाया था ना, तब खाया था, बड़ा ही स्वाद लगा, चल आज भी खाएंगे। ठीक है बाद में खा लियो, अभी क्लास के लिए लेट हो रहा है, चल ना। अरे नहीं यार देख यही है चीकू हाफ फ्राई वाले का ठेला, वैसे भी मेरा बहुत मन है, चल। पागल हो गई है क्या तू, क्लास है हमारी। अरे कोई नहीं, थोड़ा देरी से चले जाएंगे कॉलेज, चल ना। मालती हाफ फ्राई के ठेले पर जाकर ठेले वाले से बोलती है, भैया दो प्लेट हाफ फ्राई दे दो। ठेले वाला दोनों को एक एक प्लेट हाफ फ्राई देता है, जिसको खाने के बाद पायल बोलती है, खा लिया ना, चल अब जल्दी से कॉलेज चलते हैं। नहीं यार मेरा मन कर रहा है, थोड़ा सा और खा लेते हैं ना। एक काम कर तू बैठ कर खाइए हाफ फ्राई, मैं चली क्लास लेने। ठीक है तो चल मैं तेरे पीछे पीछे आ रही हूँ हाफ फ्राई को फिनिश करके। मालती हाफ फ्राई खा कर सीधा घर चली जाती है, जहाँ लता उसे देखकर कहती है, अरे बेटा तू इतनी जल्दी आ गई। हाँ माँ वो क्लास तो खत्म हो गई थी। ठीक है अच्छा बाकी के पैसे तो दे। माँ वो मुझे हाफ फ्राई ना बहुत अच्छी लगी, तो मैंने बचे हुए सारे पैसों का ना वही खा लिया। हे भगवान तूने सारे पैसों के हाफ फ्राई खा ली, पता नहीं क्या ही सोचकर तुझे हाफ फ्राई खाने को दे दिए थे, इससे अच्छा तो तू अपने डाइट ही खाती रहती। अरे इतना गुस्सा क्यों कर रही हो माँ आप, मैं कौन सा रोज रोज खाती हूँ, एक दिन खा लिया उसमें भी इतना भड़क के दिखा रही हो। हाँ हाँ पैसे तो पेड़ पर उगते हैं ना, जो इतने सारे पैसे की खाकर मुझे ही बोल रही है। इतना बोलकर लता कमरे में चली जाती है
लेकिन मालती को हाफ फ्राई का बहुत बुरा चस्का लग गया था। वो इसी तरह रोज नए नए बहाने बनाकर घर से पैसे ले जाती और चीकू के ठेले के पास हाफ फ्राई खाने लगती। ऐसे ही एक दिन मालती कॉलेज की फीस के लिए पैसे लेकर पायल के साथ घर से कॉलेज के लिए निकलती है, जहाँ रास्ते में पायल मालती से कहती है, तूने अब तो कॉलेज की फीस नहीं दी, तुझे पता ही कहाँ होगा, इतने दिन से कॉलेज ही कहाँ आ रही है, अब जल्दी चल और फीस दे, आज आखिरी दिन है। मुझे मत बता तू, मुझे सब पता है और मैंने कॉलेज की फीस भी दे दी है, ठीक है ना। अच्छा पायल तू कॉलेज जा, मैं आती हूँ, मुझे कुछ काम है वो खत्म करके आती हूँ। ठीक है जल्दी आना, मैं कॉलेज में ही मिलूंगी। ठीक है। पायल से झूठ बोलकर मालती चीकू के ठेले के पास जाती है और हाफ फ्राई खाने लगती है। धीरे धीरे सारे पैसों की हाफ फ्राई खाने के बाद वो घर आकर लता से झूठ बोलती है कि उसने फीस दे दी है। ऐसे ही चलता रहता है और कुछ दिनों बाद पायल मालती के घर आती है और लता के सामने बोलने लगती है, अरे मालती तुझे कुछ पता भी है या नहीं? क्या हुआ बेटा? आंटी जी मालती ने कॉलेज की फीस नहीं दी, कॉलेज लिस्ट में तो मालती का नाम भी नहीं है। क्या? लेकिन मैंने तो फीस दी थी मालती, तूने भरी नहीं क्या कॉलेज में? आंटी जी फीस जमा ना होने के कारण मालती अब पेपर भी नहीं दे सकती। क्यों रे अब चुप क्यों है? बताना क्या हुआ फीस का, क्यों नहीं दी तूने? माँ मैंने कॉलेज की फीस से हाफ फ्राई खा लिया था। क्या तूने कॉलेज की फीस से हाफ फ्राई खा लिए? माँ मैं क्या करूँ, वो चीकू ठेले वाले के पास जाकर ना हाफ फ्राई खाए बिना मुझसे रहा ही नहीं जाता, मुझे माफ कर दो। अरे पागल लड़की, तुझे पता भी है तूने क्या किया है, तू पेपर नहीं दे पाएगी, फेल हो जाएगी। अरे तू ये बता, तू कॉलेज के लिए घर से निकलती थी तो जाती कहाँ थी? वो क्या है ना, मैं कॉलेज जाने के बहाने हाफ फ्राई खाने चली जाती थी। जा अब वही चली जा और हाफ फ्राई ही खा तू। मुझे माफ कर दो, अब से मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगी। अब मैं कुछ नहीं कर सकती, तूने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। नहीं माँ कुछ तो करो ना, पेपर नहीं दूंगी तो मैं फेल हो जाऊंगी। मालती तू रो मत, तू अगली बार पेपर दे दियो। क्या फायदा, मालती को तो बस हाफ फ्राई ही खाने हैं। माँ आपसे ऐसा कुछ नहीं करूंगी, मुझे समझ आ गया है, ये सब चीजें कभी कभी अच्छी लगती हैं। ऐसे रोज रोज खाना और पैसों का नुकसान करना, साथ ही साथ अपनी बॉडी को भी नुकसान करना है, अब से ऐसा कुछ नहीं करूंगी, माफ कर दो। मालती को जब अपनी गलती का एहसास होता है तो वो माफी मांगने लगती है और अपनी गलती से सीख भी लेती है कि कोई भी चीज लिमिट में ही अच्छी लगती है, उससे ज्यादा नहीं। लता उसको ऐसे अपनी गलती का पछतावा करता देखकर उसे माफ कर देती है। अमोली बस में बैठकर अपने कॉलेज जा रही होती है और तभी वो अपने बैग से आम पापड़ निकालकर खाने लगती है और चटकारे लेते हुए बोलती है, वाह क्या स्वाद है इसका, मतलब सारी दुनिया एक तरफ, मेरा आम पापड़ एक तरफ, अगर आम पापड़ नाम का कोई लड़का होना है मैं तो भाग के शादी कर लूँ उससे। कुछ ही देर में वो अपने कॉलेज जाती है, जहाँ उसकी दोस्त निवी काफी देर से उसका वेट कर रही थी। उसे देखकर निवी बोलती है, आ गई महारानी, अरे कब से तेरा वेट कर रही हूँ यार, हद होती है, रोज लेट आती है तू, करती क्या है? यार मैं रोज आम पापड़ खाते खाते उसके स्वाद में इतना खो जाती हूँ कि 2-3 स्टॉप आगे पहुँच जाती हूँ, फिर वहाँ से वापस आते हुए मुझे टाइम लग जाता है। तू जो ये आम पापड़ खाती रहती है ना, तेरी नसों में खून की जगह आम का जूस दौड़ने लगेगा एक दिन। ऐसे ही बातें करते करते दोनों सहेलियाँ क्लास में जाती है और शाम को घर वापस आ जाती है। अमोली घर जाकर फ्रेश होती है और घर के कामों में अपनी माँ रेखा की मदद करती है, जिसके बाद रात को अपनी माँ के साथ बैठकर वो खाना खा रही होती है और तभी अमोली बोलती है, माँ ये कैसी दाल बनाई है आपने, अरे जरा सा भी स्वाद नहीं है इसमें। तो बेटा कल तो खुद खाना बना लेना, अपने आप स्वाद आएगा, खाने का भी और बनाने का भी। माँ जरा जरा से बात पर गुस्सा क्यों हो जाती हो, अभी देखो आप मैं कैसे इस बोरिंग सी दाल को ना मस्त बना दूंगी। इतना कहकर अमोली जल्दी से जाकर अपने बैग से आम पापड़ लेकर आती है और उसके छोटे छोटे टुकड़े करके दाल चावल में मिला लेती है, जिसके बाद वो उसे अपने हाथों से खाने लगती है और ये सब देखकर रेखा उसे बोलती है, अरे क्यों खाने को टट्टी बना रही है, ऐसे कौन खाता है, मुझे उल्टी आने को हो रही है। माँ अगर आपको उल्टी आ रही है तो आप सीधी कर लो ना, लेकिन मुझे खाने का मजा लेने दो। लो माँ तुम भी ट्राई करो। हट परे, अपना ये घोच पोच तू ही खा।
इतना कहकर रेखा अपनी खाने की प्लेट लेकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और अमोली का आम पापड़ से लगाव बढ़ता जाता है। ऐसे ही एक दिन वो अपनी दोस्त नीवी के साथ मेकअप शॉप पर लिपस्टिक खरीद रही होती है, तभी अमोली दुकानदार से बोलती है, अरे भैया कोई मैंगो फ्लेवर वाली लिपस्टिक नहीं है क्या? ये स्ट्रॉबेरी चॉकलेट मुझे पसंद नहीं है। अरे बस कर यार, अब मेकअप में भी तुझे आम पापड़ चाहिए क्या? अरे यार मेरा बस चले ना, तो मैं तो आम पापड़ का फेस पैक, आम पापड़ की लिप बाम, आम पापड़ का ब्लशर बनाकर अपने चेहरे पर लगा लूं। खैर छोड़, मुझे कुछ पसंद नहीं आ रहा, मैं बाहर घूम कर आती हूँ, तो शॉपिंग कर ले। इतना कहकर अमोली दुकान से बाहर चली जाती है और वो देखती है कि एक आइसक्रीम वाला किसी भी फ्लेवर जैसे कोका कोला, फ्रूट्स, कैंडी आदि जैसी चीजों से आइसक्रीम बनाकर बेच रहा है। अमोली जल्दी से उसके पास जाती है और उससे बोलती है, भैया क्या आप मेरे आम पापड़ की भी आइसक्रीम बना सकते हैं? जरूर मैडम, लाइए मैं अभी बना देता हूँ। अमोली जल्दी से अपने बैग से खट्टा और मीठा दोनों तरह का आम पापड़ निकालकर आइसक्रीम वाले को दे देती है, जिसके बाद वो फटाफट से आइसक्रीम बनाकर अमोली को वापस करता है और वो मजे से खाने लगती है। तभी वहाँ नीवी आकर उसे बोलती है, ओए पागल, तू यहाँ आइसक्रीम के मजे ले रही है और वहाँ मैं तुझे ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो रही हूँ। यार मैं यहाँ आम पापड़ की आइसक्रीम के मजे ले रही हूँ। ये जो तेरा मजा है ना, एक दिन सजा बन जाना है तेरे लिए, देख लियो। इतना कहकर दोनों वहाँ से घर आ जाती है। ऐसे ही एक शाम अमोली बस स्टैंड पर खड़ी बस का वेट कर रही थी कि तभी जोर सी बारिश होने लगती है और अमोली खुद को बचाने के लिए इधर उधर भागने लगती है। तभी उसके सर पर कोई छतरी से छांव करता है और बोलता है, डोंट वरी अमोली जी, मेरे होते हुए आप भीगेंगी नहीं। थैंक यू, पर आप कौन? जी आपके चाहने वाले। जी मेरे चाहने वाले? जी हाँ बिल्कुल, जैसे आप आम पापड़ को चाहती हैं, मैं आपको चाहता हूँ। आपको कैसे पता कि मुझे आम पापड़ पसंद है? क्योंकि जिस बस में आप रोज बैठकर कॉलेज जाती हैं, मैं भी रोज उसी बस में आपके पीछे वाली सीट पर बैठकर जाता हूँ। ओ अच्छा, जब इतना कुछ बता ही दिया है तो अपना नाम भी बता दो। मेरा नाम सुजल है। ऐसे ही बातें करते करते दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है और कुछ ही देर में बारिश भी बंद हो जाती है, जिसके बाद दोनों कॉलेज जाते हैं। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। थोड़े समय बाद दोनों अपने परिवार वालों को सब बता के रिश्ते की बात करते हैं, जिसके बाद आपसी रजामंदी से दोनों के घर वाले उनकी शादी करवा देते हैं। शादी के बाद अमोली का आम पापड़ के लिए क्रेज खत्म नहीं होता और वो घर का काम खत्म करके अपने कमरे में बैठकर आराम से आम पापड़ खाया करती। ऐसे ही एक दिन उसकी सास विमला उसके कमरे में जाकर बोलती है, अरे बहू तू सारा दिन अपने कमरे में पड़ी पड़ी करती क्या है, मुझे भी बता। कुछ भी तो नहीं माँ जी, वैसे आप यहाँ तक क्यों आई? मुझे आवाज़ दे दी होती मैं आ जाती। अरे नहीं नहीं कोई नहीं, ये बता क्या खा रही है? माँ जी ये आम पापड़ है, आप खाएंगी? अमोली अपनी सास को आम पापड़ खाने के लिए देती है। विमला जैसे ही आम पापड़ खाती है उसे वो चिपचिपा और बहुत ज्यादा खट्टा लगता है, जिसके बाद वो बुरा सा मुंह बनाकर बोलती है, अय हाय ये क्या था गंदा सा, मेरे दांतों में ही चिपक गया। क्या हुआ माँ जी आपको पसंद नहीं आया? अय हाय, अरे क्या खाक पसंद आएगा मुझे, दुनिया भर का खट्टा है इतना, जाके कूड़ेदान में डाल दे। नहीं माँ जी आपका मन नहीं है तो बिल्कुल मत खाओ, लेकिन इसे कूड़ेदान में मत फेंको। देख बहू मैं कह देती हूँ, ये सब खाना तुझे एक दिन नुकसान देगा, इसीलिए ये सब खाना छोड़ दे, नहीं तो तेरा पेट खराब हो जाएगा और तेरी रात फिर बाथरूम में ही गुजरेगी। अरे माँ जी कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और अब तो अमोली का आम पापड़ के लिए प्यार इतना बढ़ जाता है कि वो हर चीज में आम पापड़ मिलाकर खाने लगती है। एक रात जब सब लोग बैठकर डिनर कर रहे थे, तभी अमोली रोटी में आम पापड़ रखकर उसका रोल बनाकर खाने लगती है, जिसे देखकर उसकी सास विमला बोलती है, अरे तेरे दिमाग में आम पापड़ भरा है क्या, जब देखो तब खाती रहती है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, अरे अगर आपके दांतों में ये चिपक जाता है तो इसका मतलब मैं भी ना खाऊं, मुझे देख देख के जलते हैं आप दोनों। माँ बिल्कुल सही कह रही हैं अमोली, अरे कभी कभार खाना समझ आता है
पर तुम तो सोते जागते उठते बैठते हर जगह यही चाहिए तुम्हें तो। आज तू इसे खा रही है और एक दिन ये तुझे खा जाएगा। पैर धमकाती हुई अमोली वहाँ से चली जाती है पर अपनी आदत से बाज नहीं आती। सबके लाख समझाने पर भी वो नहीं मानती और अपना आम पापड़ खाना जारी रखती है। ऐसे ही एक रात वो सुजल के साथ अपने कमरे में सो रही थी और रात के 2 बजे अचानक उसकी आँख खुलती है और उसका आम पापड़ खाने का मन करता है, जिसके बाद वो फटाफट से पास में रखे डब्बे को उठाती है और रॉकिंग चेयर पर बैठकर आम पापड़ खाने लगती है। खाते खाते उसकी आँख लग जाती है और आम पापड़ उसके हाथों में लगा रह जाता है और डब्बा भी खुला होता है, जिसके बाद खाने की खुशबू से बहुत सारी चींटियां अमोली की तरफ आती हैं और उसके हाथों और बदन पर चढ़कर काटने लगती है। पहले तो वो नींद में उसे मच्छर समझकर इग्नोर करती है, पर जब उसके बदन पर जलन बढ़ने लगती है तो वो जल्दी से उठकर कमरे की लाइट जलाती है और जोर से चिल्लाते हुए बोलती है, आ, आ, बचाओ, 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 ये चींटियां मुझे काट रही है, सुजल, सुजल, जल्दी उठो। सुजल जैसे ही उठकर अमोली के पास जाता है तो उसकी हालत देखकर पानी की बाल्टी उसके ऊपर डाल देता है। तभी उसकी नजर आम पापड़ के खुले हुए डब्बे पर जाती है, जिस पर अभी भी चींटियां मंडरा रही होती है। शोर की आवाज सुनकर विमला भी उनके कमरे में आती है और सुजल अपनी माँ को पूरी बात बताता है, जिसके बाद वो हंसते हुए अमोली से बोलती है, क्यों बहू, और आम पापड़ दूं तुझे खाने के लिए? कहा था ना तुझे कि एक दिन ये आम पापड़ तुझे ही खा जाएगा। अब अपनी हालत देख, कैसे उबला हुआ आलू लग रही है, वो भी लाल लाल। अमोली ये क्या हरकतें हैं, तुम खाते खाते ही सो गई, यार इतना भी क्या पागलपन, आज कुछ हो जाता तुम्हें तो। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी और सुजल जी, आप भी, आम पापड़ खाने की लत ने आज मेरी ये हालत कर दी, अब मैं कभी भी इसे नहीं खाऊंगी पक्का। इस हादसे के बाद अमोली आम पापड़ खाना तो छोड़ ही देती है, साथ ही बाकी की चीजों के स्वाद लेना भी शुरू कर देती है। आतिश अपने ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहा होता है, तभी वो दीपाली को आवाज लगाकर बोलता है, दीपाली जरा मेरी टाई दे दो, मिल नहीं रही, और मेरा रुमाल भी। अरे आतिश जी सही से देखिए ना, वही होगी कबर्ड के ड्रॉअर में। अरे यार मुझे नहीं मिल रही, तुम दे दो ना। अच्छा ठीक है, मैं ही देती हूँ। दीपाली उसकी बात सुनकर कबर्ड से उसका सामान निकाल कर देती है और साथ ही उसकी टाई खुद बांधती है। टाई बांधते वक्त आतिश उसे अपनी ओर खींच लेता है और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोलता है, आजकल ऐसा क्या कर रही हो जो तुम्हारी कमर पहले से सॉफ्ट और पतली हो गई है, हुँ? आतिश जी सुबह सुबह रोमांस छा रहा है आपको, हटी क्या कर रहे हैं? हाँ छा रहा है, अब तुम्हें प्यार भी ना करूं क्या? हाँ तो रात को करो ना, अभी दिन हो चुका है और मुझे बहुत काम है, माँ जी आ गई तो। तुम्हारा मतलब मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रात में रोमांस करूं, दिन में नहीं, और माँ की चिंता मत करो वो नहीं आएंगी। माँ जी आ गई, आतिश जी छोड़िए। मुझे उल्लू मत बनाओ, पहले की तरह चकमा देकर भाग जाओगी, आई नो, मैं नहीं छोड़ूंगा आपकी बार। आप पागल हो गए हैं, माँ जी सच में आ गई, पीछे देखिए। अच्छा मैं नहीं जाने दूंगा आज। बेटा आतिश मैं यही हूँ, छोड़ मेरी बहू को। अपनी माँ की बात सुनकर दोनों झट से अलग हो जाते हैं और शर्मिंदा होकर आंखें नीचे करके बोलते हैं, माँ आप यहाँ कैसे, मुझे तो पता ही नहीं चला। फिलहाल तो मैं पैरों से आई हूँ, बाकी काम है बहू से। जी जी माँ जी बोलिए क्या काम है। दिवाली आने वाली है तो सोच रही हूँ घर को रेनोवेट करवा लूँ। पर माँ जी दिवाली आने में तो अभी 15 दिन बाकी हैं। इसलिए तो कह रही हूँ जल्दी जल्दी करवा लेती हूँ, क्योंकि फिर बाद में सारा सामान भी लाना होता है, धनतेरस भी तो है, सब देखना पड़ता है, इसलिए तुम दोनों अपनी मर्जी से अपना कमरा रेनोवेट करवा लेना। जी माँ। इतना बोलकर सब एक साथ नाश्ता करते हैं और आतिश ऑफिस के लिए निकल जाता है। कुछ देर बाद दोनों सास बहू बैठकर हिसाब लगा रही होती है और दीपाली बोलती है, माँ जी ये सब तो हो गया, कुछ रह गया है तो बता दीजिए, मैं सामान में ऐड कर देती हूँ। खाने पीने का तो तू देख लेगी, मैं कह रही थी नए पर्दे और बेडशीट भी ले आते हैं, और ये सोफे भी पुराने हो गए, ये भी नए ले आते हैं। हाँ माँ जी आप ठीक कह रही हैं। ज्यादा का बजट तो नहीं बैठा ना बहू? नहीं माँ जी,
थोड़ा बहुत तो दिवाली पर खर्चा होता ही है। दिवाली कौन सी रोज रोज आती है। अगले दिन मीना घर को रेनोवेट करवाना शुरू कर देती है। रेनोवेट कराने में 3 दिन लग जाते हैं, जिसके बाद घर बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा होता है। ये देखकर दीपाली बोलती है, वाओ माँ जी, घर कितना प्यारा लग रहा है ना, एक अलग ही रौनक आ गई है। चलो बढ़िया है, काम टाइम पर खत्म हो गया और फर्नीचर भी चेंज हो गया। हाँ बहू, अब बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे मन को शांति सी मिल गई हो। हाँ माँ जी, ये सब करवा के ना दिल में एक अलग ही वाइब सी आ जाती है। अरे माँ जी, हमने तो अभी तक शॉपिंग ही नहीं की, दिवाली में 1 हफ्ता बचा है। कोई नहीं, आज आराम कर लेते हैं, कल मार्केट चलेंगे। नहीं माँ जी, कल परसों नहीं, हमें आज ही जाना होगा। अरे दिवाली के चलते ना बहुत रश होगा मार्केट में, पर धक्के खाने पड़ेंगे हमें। हाँ थोड़ी देर में चलते हैं, चल जब तक एक कप चाय बनाकर पिला दे। जी माँ जी। दीपाली मीना की बात सुनकर उसे चाय बनाकर पिला देती है, जिसके बाद दोनों मार्केट जाकर न्यू पर्दे, बेडशीट, डेकोरेशन के सारे सामान, लाइट्स वगैरह, कपड़े शॉपिंग करके घर आते हैं और सोफे पर फैल कर बैठते हुए बोलते हैं, अरे दीपाली बहू, मेरी तो कमर ही गई सामान उठा उठा कर, कितनी भीड़ थी, एक औरत तो मेरे पैर पर ही चढ़ गई। अरे माँ जी, मेरे तो कमर, हाथ, पैर सब कुछ ही दुख रहा है। अरे आपसे कहा था एक रिक्शा ले लो, लेकिन आपने मेरी सुनी नहीं, खुद तो इतना भारी सामान उठाया, साथ में मुझसे भी उठवाया। हाय राम, मर गई मैं तो। बहू मैं तो आराम करूंगी, उठूंगी ही नहीं, और आतिश नहीं आता जब तक तू भी आराम कर ले। ठीक है माँ जी। इस तरह दोनों आराम करती है और शाम तक दोनों खर्राटे मार कर सो रही होती है। तभी आतिश आकर उन्हें सोफे पर सोता हुआ देखकर और शॉपिंग बैग्स को देखकर समझ जाता है कि दोनों बहुत थकी हुई हैं। ये सब देखकर वो फ्रेश होकर खुद खाना बनाता है और प्लेट्स में सर्व करके सबके आगे लाता है, जिसके बाद वो दोनों को जगाता है और खाना देखकर मीना बोलती है, अरे बेटा तू कब आया, और बहू ये खाना तूने बनाया है। नहीं माँ जी, मैंने तो खाना नहीं बनाया। इसका मतलब आतिश जी ने ऑफिस से आकर खाना बनाया। अरे आप मुझे जगा देते ना। हाँ बेटा, हमें जगा देता, वो थके हुए थे ना, इसलिए उठे नहीं। कोई बात नहीं माँ, आप दोनों थके हुए थे इसलिए नहीं उठाया, मैंने सोचा क्यों ना आज मैं अपने हाथों से आपको खाना बनाकर खिला दूं। मेरा प्यारा बेटा। इस तरह तीनों मिलकर खाना खाते हैं और अगले दिन आतिश की छुट्टी थी तो सबने ब्रेकफास्ट कर लिया होता है। दीपाली कमरे का फैन साफ कर रही थी और उसका स्टूल से पैर स्लिप हो जाता है। तभी आतिश उसे अपनी बाहों में संभाल लेता है और बोलता है, ध्यान से जान, अगर मैं नहीं होता तो लग जाती ना। अरे जब तुम मेरे पास हो तो मुझे कैसे लग सकती है। अच्छा जी, इतना कॉन्फिडेंस। अरे कब तक ऐसे खड़े रहोगे, उतारो मुझे, वरना माँ जी आ जाएंगी। उनका नाम मत लो यार, हमारे रोमांस की दुश्मन हो गई हैं वो आजकल। आतिश जी, माँ जी आ गई। उसकी बात सुनकर आतिश उससे फिर से झटके से अलग हो जाता है और दीपाली उसे उल्लू बनाकर भाग जाती है। ऐसे ही धनतेरस का दिन आता है और मीना दीपाली से कहकर सारे घर में दिए जलवा देती है और साथ ही उसे तोहफे में सोने का हार और कंगन देती है। तो दीपाली भी अपनी सास को साड़ी गिफ्ट करती है और दिवाली के दिन दोनों मीना से आशीर्वाद लेते हैं। दीपाली पूरे घर को लाइट्स और दीयों से सजाती है और साथ ही साथ रंगोली भी बनाती है। दिवाली की पूजा करने के बाद आतिश अपने दोस्त समर के साथ आतिशबाजी करने चला जाता है। ओए समर, तू आ गया, हैप्पी दिवाली बे। नहीं मैं नहीं, मेरा भूत आया है। साले जोक मारता है, चल आजा पटाके फोड़ते हैं। नहीं नहीं, मुझे डर लगता है, मैं नहीं फोड़ूंगा। अरे तू फोड़, ये ले, मैं हूँ ना तेरे साथ, कुछ नहीं होगा तुझे। राम 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 राम। धप्पा बूम। अबे तेरी तो निकल गई। ए पागल है क्या तू, डरा दिया मुझे। अच्छा अब नहीं डराऊंगा, चल दोबारा जला बम। आतिश की बात सुनकर समर दोबारा बम जलाने की कोशिश करता है और बम जलाकर डर के छोड़ के आगे आ जाता है और छुप कर देख रहा होता है। तभी आतिश वहाँ आता है और उस बम को उठाकर बोलता है, अबे ये तो बुझा हुआ है बे, ले देख। अबे हट हट हट, दूरो दूरो, अबे साले पागल है क्या, मरवाएगा। अबे आग नहीं लगी इसमें, देख हाथ में लेकर। ए आतिश तू पागल हो गया है, तेरा दिमाग सटिया गया है क्या। अबे कुछ नहीं हुआ, ले साला डरपोक भाग गया। आतिश वहाँ से सीधा अपने घर आता है, जहाँ सभी लोग
बम पटाखे जला रहे होते हैं। आतिश भी उनमें शामिल होता है। तभी दीपाली बोलती है, आतिश जी ये क्या कर रहे हैं आप, पटाखे क्यों फोड़ रहे हैं? अरे इको फ्रेंडली दिवाली मनानी चाहिए, आपको पता है पटाखे फोड़ने से कितना एयर पोल्यूशन होता है। दीपाली आज ही तो कर रहा हूँ, वो भी सिर्फ थोड़े से, वैसे भी पूरे साल में सिर्फ एक बार पटाखे फोड़ने का बनता है ना। आतिश जी आपकी तरह ही अगर सारे लोग एक एक पटाखा भी जलाएंगे तो सोचो कितने पटाखे जलेंगे। अरे अगर आप अपनी सोच नहीं बदलेंगे तो बाकी लोगों को क्या समझाएंगे, इसीलिए रुक जाइए, पटाखे मत फोड़िए, इको फ्रेंडली दिवाली मनाइए। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो दीपाली, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। ये हुई ना बात, अच्छा चलिए अब अपने आस पड़ोस में मिठाइयाँ दे आइए आप। ठीक है। दीपाली आतिश को मिठाई के डब्बे दे देती है और वो एक एक करके सभी पड़ोसियों में जाकर मिठाइयाँ बांटता है। बदले में उसके पड़ोसी भी उसे ढेर सारी मिठाइयाँ वापस करते हैं। घर लौटने के बाद आतिश दीपाली से बोलता है, लो मैं बांट आया सभी पड़ोसियों के यहाँ मिठाई, बदले में उन सब ने हमारे लिए मिठाई भिजवाई है। लाइए मैं इन्हें अंदर रख देती हूँ। अच्छा अगर अब कोई काम ना बचा हो तो कुछ खाने का इंतजाम कर लो यार। जी जरूर, आप कमरे में आराम कीजिए, मैं खाना लेकर आती हूँ। आतिश अपने कमरे में पहुँचा ही था कि उसके एक दोस्त का कॉल आता है। असल में वो आतिश का एक बहुत ही पुराना दोस्त था जो उसे फोन करके मजे लेने की कोशिश करता है। आतिश उसका नाम अपनी स्क्रीन पर देखकर खुद से बोलता है, अबे यार बस इसी की कमी रह गई थी, ये तो सबसे बड़ा वाला हरामी है, फोन उठा लिया तो सबसे पहले पटाखों की बात करेगा, खैर बोलेगा तो मैं मना कर दूंगा। आतिशबाजी के शोर में आतिश उसका फोन उठा ही लेता है। रवि बोलता है, हेलो। हाँ हेलो रवि भाई, हैप्पी दिवाली। अबे कौन सी गाली? अबे हैप्पी दिवाली। अबे क्या गाली दे रहा है आज तू? अबे आतिश मैंने बोला हैप्पी दिवाली भाई। तेरा बाप मवाली। अच्छा ये सब छोड़, ये बता कैसा है? पैसा है? अरे नहीं भाई मेरे पास कोई पैसा नहीं है। अबे पैसा नहीं, मैंने पूछा तू कैसा है। अबे तेरे पास बहुत चोर हो रहा है यार। मेरा बाप चोर है? साले तू चोर, तेरा बाप चोर, मेरा बाप की चोर। अबे ओ बहरी औलाद, चोर नहीं शोर हो रहा है तेरी तरफ। क्या बर्फ, बर्फ कहाँ से आ गई, अभी ठंडी आने में थोड़ा टाइम है। अबे यार तू कितना परेशान कर रहा है, एक तो मैंने तेरे को विश करने के लिए कॉल किया है। क्या किस करने के लिए फोन किया है? मुझे क्यों किस कर रहा है, अपनी गर्लफ्रेंड को करना और फोन पर कैसे होगा? अबे ओ बहरा अंधा काना लंगड़ा लुल्ला पागल है क्या? झूला? अबे झूले का सीजन तो गया, अब क्या झूला कर रहा है, अगले साल आइयो। साला मेरा कितना दिमाग खा रहा है फोन पर, साले कमीने काले कुत्ते रंगीले फटे दूध के कीड़े, साले हैप्पी दिवाली बोलने के लिए फोन करा था, रख तेरे चाचा की। क्या ओबामा की? हेलो हेलो, लगता है फोन काट दिया और मैंने उसका काट दिया। आप सभी को मेरी ओर से दिवाली की शुभकामनाएं। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।